सभी शिक्षक साथियों को प्रणाम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक शिक्षक, प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षा अधिकारी और स्वीकृत अधिकारी की डिटेल किस प्रकार से भरेंगे। ACR भरने के लिए आप educationportal.uk.gov.in के लॉगिन पेज पर जाएंगे और इस पेज पर आप सबसे पहले यूनिट को सेलेक्ट करेंगे। यूनिट को सेलेक्ट करने के बाद अपने विद्यालय की यूजर आईडी, पासवर्ड और दिए गए कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप लॉगिन हियर पर टच करेंगे। लॉगिन हियर को टच करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। आप एम्प्लॉय पर जाएंगे और इसके दूसरे ऑप्शन एम्प्लॉय ACR पर टच करेंगे। आपके सामने आपके विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सूची होगी। आपको जिस शिक्षक के अधिकारियों की डिटेल भरनी है उसके सामने आप नॉट फील्ड पर टच करेंगे। इस पर टच करते ही आपके सामने उस अध्यापक का विवरण खुलेगा। आप सबसे पहले एड न्यू पर टच करेंगे। टच करने के बाद आप प्रतिवेदक अधिकारी की तिथि में फर्स्ट बॉक्स में जो कैलेंडर दिया गया है इस पर टच करेंगे और यहाँ पर April 1, 2022 को सिलेक्ट कर लेंगे तथा दूसरे बॉक्स में आप 31 मार्च 2023 को सिलेक्ट कर लेंगे। प्रथम स्थिति आती है यदि आप किसी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रो या प्रभारी प्रो के पद पर कार्यरत हैं तो आपके प्रतिवेदक अधिकारी PEO होंगे। उसके लिए आप पद के प्रकार में नॉन टीचिंग सिलेक्ट करेंगे और पद में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को सिलेक्ट करेंगे। जनपद में अपने जनपद को सिलेक्ट करेंगे। खंड के लिए संबंधित विकास खंड को सेलेक्ट करेंगे। संस्था का प्रकार में ऑफिस को सेलेक्ट करेंगे और संस्था में ऑफिस ब्लॉक एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अधिकारी का नाम में जाएंगे और संबंधित अधिकारी के नाम को सेलेक्ट करके आप डेटा सुरक्षित करें पर टच करेंगे। दूसरी स्थिति आती है आप किसी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं तो आपका प्रतिवेदक अधिकारी आपका प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक रहेगा। दूसरा अधिकारी होता है समीक्षक अधिकारी। सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों के समीक्षक अधिकारी संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी यानी BEO होंगे। इसके लिए सर्वप्रथम आप तिथियों को चयनित करेंगे। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। उसके बाद पद के प्रकार में यदि प्रिंसिपल आपके BEO होंगे तो टीचिंग करेंगे। यदि आपके प्रिंसिपल BEO नहीं होंगे तो आप नॉन टीचिंग को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पद में आप प्रिंसिपल अथवा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को सेलेक्ट करेंगे। जनपद में अपने जनपद को सेलेक्ट करेंगे और खंड में अपने विकास खंड को सेलेक्ट करेंगे। संस्था के प्रकार में प्रिंसिपल की स्थिति में सेकेंडरी और खंड शिक्षा अधिकारी की स्थिति में ऑफिस को सेलेक्ट करेंगे। संस्था में प्रिंसिपल की स्थिति में आप संबंधित प्रिंसिपल के विद्यालय को चयनित करेंगे और खंड शिक्षा अधिकारी की स्थिति में आप ऑफिस ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर माध्यमिक शिक्षा को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद संबंधित अधिकारी का नाम आपके पास होगा, उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप डेटा सुरक्षित करें पर टच करेंगे। यहाँ पर एक स्थिति आती है यदि विगत सत्र में आपके दो या दो से अधिक अधिकारी रहे होंगे तो आप उनका सिलेक्शन किस प्रकार से करेंगे इसे हम वीडियो में आगे देखेंगे। प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापक तीनों के स्वीकृत अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक
होंगे तो इसे ऐड करने के लिए आप ऐड न्यू पर टच करेंगे। फर्स्ट बॉक्स में आप 1 अप्रैल 2022 को सेलेक्ट करेंगे और दूसरे बॉक्स में 31 मार्च 2023 को सेलेक्ट करेंगे। पद का प्रकार में यदि कोई प्रिंसिपल आपके जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक के पद पर होंगे तो आप टीचिंग को सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप नॉन टीचिंग को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद संबंधित अधिकारी के पद को आप सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री, जनपद में आप अपने जनपद को सेलेक्ट करेंगे और खंड में आप उस विकास खंड को सेलेक्ट करेंगे जिस विकास खंड में संबंधित अधिकारी का कार्यालय स्थित है। संस्था के प्रकार में आप ऑफिस को सेलेक्ट करेंगे। यदि कोई प्रिंसिपल डीईओ के चार्ज में रहे होंगे तो आप सेकेंडरी को सेलेक्ट करेंगे। फिर हम उस अधिकारी के कार्यालय के नाम को सेलेक्ट करेंगे, ऑफिस डीईओ प्रारंभिक शिक्षा। अंत में आपके सामने गत वर्ष डीईओ प्रारंभिक के पद पर शोभायमान अधिकारियों के नाम होंगे। पिथौरागढ़ जिले में गत वर्ष 3 अधिकारी डीईओ के पद पर रहे, श्री बलराज सिंह रावत जी जो कि किसी विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, दूसरे हैं दिनेश चंद्र सती जी जो कि 21/8/2022 से 13/2/2023 तक कार्यरत रहे, और उसके बाद श्रीमान एस पी सेमवाल जी इस पद पर कार्यरत रहे। तो आप गत वर्ष की भांति यदि अलग अलग भागों में इन्हें सेलेक्ट करेंगे तो उसे सिस्टम नहीं ले रहा है, इसलिए आप वर्तमान अधिकारी को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डेटा सुरक्षित करें पर टच करेंगे और ओके। तो इस प्रकार से आप तीनों अधिकारियों की डिटेल को प्रत्येक अध्यापक के लिए फीड कर लेंगे।